हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा शाह किचन। आज हम टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं, वो भी तरबूज के छिलकों से। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, ना इसमें कोई बाहर का एसेंस है, ये बिल्कुल प्योर है। बच्चे आए, झटपट खाएं, टेस्ट करके हमको बताएं। चलिए तो हम टूटी फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए हम लेंगे तरबूज का छिलका, इसका हम रेड पार्ट हटा देंगे और इसका जो ये ग्रीन पार्ट है इसको हम चाकू की सहायता से छील लेंगे। देखिए ये आसानी से उतर जाएगा। अब तरबूज के छिलकों को हमने हटा लिया है, अब इसके हम बारीक बारीक पीसेस करेंगे। बड़े बड़े नहीं करने हैं, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं रखने हैं हमें। अब हम गैस ऑन करेंगे और उसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे। इसको बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट तक। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है हम दूसरी तरफ गैस ऑन करेंगे और चाशनी बनाएंगे चीनी की। 2 बाउल वाटर लिया है मैंने इसमें और 2 बाउल ही चीनी लेंगे और इसमें डाल देंगे। और दोनों को गर्म होने देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम तरबूज के छोटे छोटे जो पीसेस हमने किए थे वो इसमें डाल देंगे। और उसको दबा देंगे। ये पूरी डिप हो चुकी है पानी में। 4 से 5 मिनट्स इसको बॉईल करना है, आपको पता चल जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। 5 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये बॉईल हो चुकी है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। देखो इसका कलर चेंज हो गया है, पानी इसने सोख लिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, वो भी ढककर। दूसरी गैस पे हमने जो चाशनी पकने रखी थी वो हमारी रेडी हो चुकी है, बॉइलिंग आ चुकी है। सिंपल चाशनी है ये। अब हमने टूटी फ्रूटी को गैस से उतार लिया है, अब इसमें जो है पानी है इसको हम अलग कर लेंगे, इसको छान लेंगे। टूटी फ्रूटी को हमने अब इसमें निकाल लिया है, अब टूटी फ्रूटी को हम चाशनी में डिप कर देंगे, डाल देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 आवर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम 3 कलर की टूटी फ्रूटी हम बनाने वाले हैं। इसमें हम येलो कलर मिलाएंगे इस तरह से और इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। ये फूड कलर है, आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए ये ऑरेंज कलर है। इसको इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ये आपको रेडिश सा लग रहा होगा पर ये है ऑरेंज। और ये ग्रीन कलर है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी में ही छोड़ देंगे जिससे हमारा कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 1.5 से 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें चाशनी पैर गई है। देखिए अब ट्रे पे मैंने फॉइल लगा लिया था, अब इसको हम निकाल लेंगे।
जिससे फॉइल लगाने का ये है कि ये आसानी से उतर जाए। इस तरह से आप सुखा ले। आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी, ये प्योर है। देखिए मैंने इसके तीन पार्टीशन कर लिए हैं, फॉइल लगाने का ये है कि आसानी से उतर जाए। अब हम इसको एक दिन के लिए इसी में ही छोड़ देंगे जिससे ये आसानी से सूख जाए। अब ये पूरी तरह से सूख चुकी है, 8 से 10 घंटे बाद मैंने इसका फॉइल चेंज कर लिया था, ये थोड़ी मिक्स हो गई है इसी वजह से। अब देखिए इसका कलर, ये पूरी सूख गई है। इसको खाके भी आप टेस्ट कर सकते हैं, मजेदार। आप चाहे तो इसको अलग अलग डिब्बों में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे तो इसको स्टोर करके एक साथ मिक्स करके रख रही हूँ। देखिए ये पूरी तरह से सूख चुकी है। फॉइल पेपर हमने इसलिए चेंज किया था कि उसमें फॉइल पेपर में बहुत सारी चाशनी लगी हुई थी। अब देखिए एकदम चाशनी से ये फट चुकी है और ये पूरी तरह ड्राई हो चुकी है। और इसका कलर हमने इसको पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। दोस्तों मेरी टूटी फूटी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।